वर्ड स्टोरी, अल्फाबेट स्टोरी, जो भी। यार प्लीज प्लीज खामोश हो जाए, हमें पता लग रहा है कि आपके अंदर आइडियाज उबल उबल के आ रहे हैं। यहाँ पैन पड़ा था सर, पानी पड़ा होगा और ये पैन पड़ा हुआ है, स्टोव पड़ा हुआ है, आपने पानी को इवेपोरेट करना है कि फैन स्पीड कितनी रखनी है और फैन स्पीड क्योंकि ऊपर जितने ज़्यादा फैन स्पीड होगी क्योंकि होता है ना पार्टिकल जब आ रहे होते हैं जल्दी साइड पे हो लेकिन मुझे समिति की बात समझ नहीं आई, तुम्हारे पास पानी सा है जो कि तुम पानी बड़ा हो गया सर एक बाउल में ठीक है और पानी आप डाल रहे हैं आपने हीट को कंट्रोल करना है और फैन स्पीड को कंट्रोल करना है। अच्छा, कि जल्दी पानी रेपरेट करना है अगर आप और एक और यहाँ पे भी और दूसरा बचा कर रहा होगा जैसे आप ये हीट को तेज कर देता है और फैन स्पीड जीरो रखता है लेकिन वो हीट को भी तेज करता है साथ फैन स्पीड भी ज़्यादा करता है उसका पानी जल्दी जाता है। मगर अगर फैंस भी एक हद से ज़्यादा तेज कर दे तो वो आग बुझा दे, दोनों फैक्टर्स को इंटरफेरेंस भी डाल दो, या पंखा ज़्यादा तेज चला दें तो वो कूलिंग इफेक्ट आ जाए। वो तो ये पानी उबलने के बजाय ठंडा हो जाए। ओके भाई साइलेंस, अब मजे का आइडिया ले, कश्मीर से मत तुम्हारी बात मैं करूँगा अभी। सेंटेंस स्टार्ट ही करेगा पंखे ऑफ कर दो।
कि आप कैसे विकेट जो है वो इधर उधर मूव कर रही है फैन को डॉज करके इस डायरेक्शन में मगर उसके अंदर इतना मोमेंटम नहीं होगा फैन स्पीड हल्की कर दो ना हां मेरा ये सवाल था कि आप पंखे बंद कर दो सीधी बॉल फेंक दो विकेट राइट साइड से कोने से स्टार्ट होगी ये चैलेंज बना सकते हैं पहले उसे सिखा दें गेम खेलने के लिए शुरू में सिंपल चैलेंज हो नेक्स्ट लेवल में ये कर सकते हैं कि एक एक तरफ से हवा आई जाए और आपने दो और पंखों से उसको कंट्रोल करना इन समझ में आई नहीं एक दो फैन फिक्स है और उनकी ये स्पीड रहेगी और अब आपने बाकी दोनों से इसको बैलेंस करना ठीक है तो इस तरह के डिफरेंट लेवल से प्रोड्यूस किया जा सकता है चलो ठीक और साथ क्या देना एक और आईडी भी बताओ रमेश बताओ क्या है और ये आपका एक वाली यहाँ लगा हुआ है ठीक है ये वायर है इंटरचेंजेबल कॉपर की स्टील की जो जो आपके पास होगा ड्रॉप डाउन ठीक है और यहाँ पे इसकी वेरिएशन मैं करना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस आपने बल्ब को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हीट पर डिपेंड कर दिया एरिया पर डिपेंड करती है लेंथ पर डिपेंड कर दिया तो ये तीन फैक्टर्स मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था कि अगर आप इस वायर को कोल्ड कर दो यानी इसका टेम्परेचर लो कर दो तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा अगर हीट ज़्यादा कर दो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो जबरदस्त कम हो जाएगा या फिर उसका लेंथ पे डिपेंड करती है और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया तो जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और वो एरिया मोटी तार और एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी कम हो जाएगी दो से भी आइडिया मेरे दिमाग में भी आया तो बोला था उसमें डिफरेंस ये था कि मैं बल्ब की जगह एक्चुअली एक मोटर यूज़ कर रहा हूँ एक ट्रैक के ऊपर उस ट्रैक के ऊपर बॉल रखा हुआ मैंने करना ये कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप कुछ कह भी सकते हो कि आपने बटन दबा के बॉम्ब को फिक्स करना है कुछ भी आपने रेजिस्टेंस अपने इस तरह का मटीरियल यूज़ करना है जो मोटर को इतनी स्पीड से चलाए कि वो बॉल इतनी तेज़ी से उस बटन की तरफ आए उस रेल के ऊपर रेलिंग पर चलता हो और उस बटन को प्रेस So you can take that as well, no problem. Sir, this is too simple. मैं इसको थोड़ा it's fine. It's fine. Player के control में क्या होगा कि मतलब वो वायर को control में temperature होगा उसकी length होगी उसका area होगा. Temperature उसे control नहीं होगा. और जो पीछे ये slider लगा देना यहाँ पे heat up कर सके उसे. Different type का वायर. Area इसका wire interchangeable है. Wire बड़ी है, पतली wire बड़ी है. और वायर का मटेरियल इंटरचेंजेबल होगा बल्ब बर्स्ट हो सकता है हां बल्ब बर्स्ट हो सकता है बर्स्ट हो सकता है एरिया या लेंथ ऐसे हो जाए कि वो बहुत पतली मैक्सिमम करंट बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाए एरिया ज्यादा होता है और आपकी प्रेशर भी तो लो करता है कि काम हो जाता मैच इतना करंट फ्लो एरिया ज्यादा करोगे तो रेशो कम इसके अंदर एक इशू आ रहा है इसके अंदर यू हैव ऑलमोस्ट टू मेनी वेरिएबल्स एंड द गोल इज
दो तीन काम हो जो कि पैरेलल में सर्किट लगाओ या सीरीज में सर्किट हो और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना मैं वोल्टेज सोर्स दूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना वोल्टेज चाहिए, यहाँ इतना वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर इतना वोल्टेज चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ कैलकुलेशन करता है और फिर देखता है इतने एरिया की मेरे पास वायर होनी चाहिए, इतने एरिया की मेरे पास ये होना चाहिए, और फिर वो सर्किट बना सर्किट बनाना है आपको। यानी एक्चुअली इसके अंदर जो डिजाइन एलिमेंट है फॉर द प्लेयर वो ये है कि उसने रेजिस्टेंसेस जो है ना डिजाइन कर दी है, उसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगानी है मुख्तलिफ जगहों पे ताकि रिक्वायर्ड वोल्टेज और एम्पियर जो है ना वो उस डिवाइस तक आ जाए। वो मोटर भी हो सकती है, वो बल्ब भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। आपने बल्ब दो बल्ब का आपने कहा था कि सेम आपने इसको इंटेंसिटी में चलाते हैं, तो कौन सा सर्किट आप और आप एक बार आपने दूसरी कंडीशन बिल्कुल दूसरे मटेरियल को यूज करके और सेम कंडीशन बनाया, नाइस, जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू जी। एनीबॉडी एल्स? जमीन चल जाओ, हाँ जमीन जमीन जा। मुझे पता लग गया बड़ा क्रिकेट में बात कर, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वेग है, मुझे पंखे वाले जाते हैं उसमें काफ़ी वेग है, वेग मतलब अभी तक क्लियर मैं बात करता हूँ बनानी है, लेकिन बहुत अच्छा।